सोलन के अपना घर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा छोटी संसद का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर बेबाकी से प्रश्न पूछे। इस संसद में युवा पक्ष और विपक्ष की भूमिकाओं में भी युवा नजर आए। उन्हें जहां एक ओर संसद की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई, तो वहीं उन्हें नेताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों का संसद में कैसे जवाब दिया जाता है, उसका कैसे हल निकाला जाता है, इस बारे में भी अवगत करवाया गया। नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक ईरा प्रभात ने बताया कि उनके विभाग द्वारा सोलन में खंड स्तरीय युवा संसद का आयोजन किया गया। संसद में युवाओं ने कार्य प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की और पक्ष व विपक्ष की भूमिका का क्या महत्व है, इस बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर उनके समक्ष पक्ष और विपक्ष समस्याओं को कैसे निपटाता है, इस बारे में भी बताया गया। इस मौके पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि कुमारी सुनीता ने कहा कि युवा संसद एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगर इस कार्यक्रम में उठाए गए सवालों और उनके निदान पर गौर किया जाए तो ये जानकारी न केवल सरकार बल्कि नेताओं के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। नेहरू युवा केंद्र सोलन ने आज सोलन में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के बीच में एक जागरूकता फैलाना है कि हमारे युवाओं के क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर वो आपस में चर्चा करके पक्ष और विपक्ष यानी कि मुद्दे भी वो उठाएं और सॉल्यूशन भी वो दें। ये एक मॉक ड्रिल है हमारे संसद की कि संसद की कार्यवाही में जब हम प्रश्न सत्र चलाते हैं या हम जो भी कार्यक्रम करते हैं उसको एक छोटी संसद के रूप में, युवाओं की संसद के रूप में जो लोकल इश्यूज हैं उनको वो कैसे उठाते हैं और कैसे समाधान करते हैं। कोशिश ये है कि युवाओं के जरिए हम इन कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के बीच में जागरूकता फैलाएं और कार्यक्रमों का अपने लेवल पे सरकार के साथ साथ वो क्या सहयोग कर सकते हैं समाधान में, इस विषय पर प्रकाश डालें। आज बहुत उत्साहित हूँ। नेहरू युवा केंद्र ने एक युवा संसद कार्यक्रम शुरू किया है, ये मेरे लिए तो ये प्रथम कार्यक्रम है, लेकिन बड़ा अच्छा सा लगा कि कहाँ हम विधानसभा में देखा करते हैं प्रश्नकाल को, वही प्रश्नकाल ये लेकर हमारे मंच पर आ गए हैं। इसमें से बहुत सी समस्याओं के बारे में बड़े समाधान मिलेंगे, युवा की सोच मिलेगी। एक तरफ से पक्ष है, एक तरफ से विपक्ष है, जब वो आपस में कितनी ही चर्चाएं करेंगे तो उसमें से बहुत सा आउटकम निकल सकता है जो कि सरकार के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। हम चाहेंगे कि वो वाले अच्छे वाले जो उनके कमेंट्स हैं वो हम आगे तक पहुंचाएं ताकि नेता लोग उसको फॉलो कर सकें।